हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान से निकलकर बात देश की सियासत की, आज ओवैसी ने ऐसी बात कह दी जिसने समाजवादी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस के कैंप को परेशान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी आज यूपी के सुल्तानपुर में रैली करने गए थे और उन्होंने मुसलमानों से ऐसी बात कही जिसे अब तक ओवैसी का छुपा हुआ एजेंडा कहा जा रहा था। इस रिपोर्ट में ओवैसी की बात को बहुत गौर से सुनिएगा। ये भारत की जमहूरियत की तरफ हकीकत है। अगर किसी समाज का कोई नेता नहीं है, कोई सियासी ताकत नहीं है, तो हकीकत यह है कि उस समाज का नाम मुसलमान है, जिसके पास ना उनका कोई नेता है, ना उनके पास अपनी कोई सियासी क्यादत है। असदुद्दीन ओवैसी अपना एजेंडा खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं। वो मुसलमानों का नेता बनना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि यूपी में ओबीसी के नेता हैं, यादव नेता हैं, राजपूत नेता हैं, ब्राह्मण नेता हैं, दलित नेता हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई नहीं है। और यही दलील देकर ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कह रहे हैं कि AIMIM उनको वो लीडरशिप देना चाहती है। मुस्लिम अकलियत की कोई क्यादत नहीं बनी, ना कोई आपकी सभाओं से आपका कोई नेता बना। मजलिस यही चाहती है कि आपके दरमियान में किसी को एक नेता बनाया जाए, आपकी एक सियासी लीडरशिप को, क्यादत को मजबूत किया जाए, जो इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से आजाद हो। इस समाज के पास उसका नेता होगा, उसी की आवाज को, उसकी तकलीफ को, उसकी मुश्किल को सुना जाएगा। जिस समाज का नेता होगा, उस समाज के नौजवानों के जज्बात, उनके ख्वाबों को पूरा किया जाएगा। जिस समाज का नेता होगा, वो अपनी माँ और बहनों की इज्जत का तहफ्फुज़ भी करेगा और उनको आगे तरक्की भी कराएगा। ओवैसी अब तक संभल, बहराइच, मुरादाबाद समेत कई जगह जा चुके हैं। हालांकि ओवैसी ने अवध इलाके में एंट्री ऐतिहासिक कस्बे रोदौली से की है। यहां इनका उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्बास अली रुश्दी के लिए क्या खतरा बन सकता है, उसका अंदाजा इस भीड़ को देखकर लगाइए। रोदौली में करीब 27% मुस्लिम वोट है, जबकि अयोध्या जिले में मुस्लिम वोट 15% है। सुल्तानपुर में मुस्लिम वोट 17% है, जबकि बाराबंकी में मुस्लिम वोट 26% है। ओम प्रकाश राजभर के साथ ओवैसी का गठबंधन है। इसके जरिए वो ओबीसी वोट को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन राजभर की बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर ओवैसी का क्या कहना है वो देखिए। समाजवादी पार्टी से आप अलायंस की वही बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उनको आप निशाने पर ले रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से आप बात नहीं कर रहे हैं, और जो आपके अभी फिलहाल सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो लगातार दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। ऐसे में AIMIM अपने आप को कहां पा रही है और किस तरीके से स्ट्रैटेजी के तहत आप लोग सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? सर, नहीं, ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ हम साथ हैं, वो कन्वीनर हैं संकल्प मोर्चा के, तो वो बात करेंगे, जिससे बात करें बात कर रहे हैं। लेकिन सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के लिए। अब वो उसका उन्होंने क्लैरिफाई किया ना, उसका उन्होंने क्लैरिफाई किया और उन्होंने उस ये बाद में बताया कि वो अलायंस के लिए नहीं गए थे, बीजेपी के लिए, तो उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया उस बारे में। ओवैसी की AIMIM को वोट काटने वाली पार्टी भी कहा जाता है, और ये बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बंगाल चुनाव में AIMIM की जमानत भले जब्त हो गई, लेकिन ओवैसी ने यूपी का फॉर्मूला समझ लिया। ओवैसी समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला ब्रेक करना चाहते हैं। यूपी में 19% मुस्लिम और 11% यादव है। 30% वोट के इस गठजोड़ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा माना जाता है, लेकिन अब ओवैसी 19% मुसलमानों को यादव नेतृत्व के पीछे खड़े होने की बजाय खुद अपनी लीडरशिप तैयार करने की अपील कर रहे हैं। आजम खान को लेकर के आपने काफी ज्यादा बातें कही, आपने कहा कि उनको जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए, क्या आप लोग कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी में आजम खान को जो मिलना चाहिए था वो दरअसल नहीं मिला? क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि 19% भागीदारी होती है मुसलमानों की और 11% होती है यादवों की, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन जाते हैं, तो क्या आजम खान को आप लोग इन्वाइट करेंगे? देखिए, सब जो 19 और 11% की बात है वो बिल्कुल सच है, मगर इस मौके पर ऐसे वक्त में जबकि आजम खान साहब बहुत बुरी तरह परेशान है और उनका परिवार परेशान है, उनकी यूनिवर्सिटी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो इस मौके पर मैं कोई पॉलिटिकल जवाब नहीं देना चाहता हूं, बल्कि बहसियत एक इंसान के
मुझे इस बात की शदीद तकलीफ है जो उनसे बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि परवरदिगार उनको जल्द से जल्द उनकी तकालीफ से उनको उसमें आसानी पैदा करे और उनको उनको जल्दी रिहाई अमल मिलाई जाए। ओवैसी की स्ट्रेटजी को समझें तो बिहार में मिली कामयाबी को उत्तर प्रदेश में दोहराना चाहते हैं। ओवैसी ने सीमांचल की 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और इनमें से 5 सीट वो जीते और कई सीटों पर उनको 50% तक वोट मिले। ओवैसी ने बिहार के सीमांचल में जो फॉर्मूला अपनाया था वही उन्होंने बंगाल में अपनाया, वहां दाल नहीं गली। सवाल है कि क्या यूपी के मुसलमान उनका बंगाल की तरह बॉयकॉट कर देंगे? आप जाकर बाबा से बोलेंगे बाबा स्कूल नहीं है तो बाप रे नाम बदल दो। बाबा से बोलेंगे स्कूल नहीं है, मुसलमान बच्चों के नाम बदलते आप बोलेंगे अरे नहीं स्कूल नहीं है तो बोलेगा ठोक दूंगा। हाँ बताइए एक मुख्यमंत्री इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है क्या? जब ये मसाइल हम उठाते हैं तो इनको लगता है कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, ये जज्बात में ला रहा है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, ये मुसलमानों के वोट काट रहा है। अरे वो जो उत्तर प्रदेश में हमारा हिंदू भाई मोदी को वोट दिया, तुम्हारी जबान में मुंह तुम्हारे मुंह में जबान है ना, बोलो उनके बारे में कि यार वो वोट नहीं दिया मोदी को या नहीं दिया, इसीलिए सूर्या जी का नाम। क्या हमारे दलित भाइयों ने नहीं दिया? क्या ठाकुरों ने नहीं दिया? क्या ब्राह्मण समाज के लोगों ने नहीं दिया? सब कहते हैं मगर कोई ये नहीं कहता कि हिंदू वोट हमको क्यों नहीं मिला, मगर सबकी जबान पे क्या होता है मुसलमान वोट क्यों जा रहा है। ओवैसी की अपनी पहचान है और वो अपना स्ट्राइक रेट मुस्लिम बहुल सीटों पर आजमाना चाहते हैं। उनकी पूरी पॉलिटिक्स मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द घूमती रही है। हैदराबाद के बाहर उनकी पार्टी वही उम्मीदवार खड़े करती है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर बिहार का सीमांचल इलाका। पश्चिम बंगाल में भी उनका फोकस वहां रहा जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है। कर्नाटक के गुलबर्गा में भी उन्होंने यही बाजी चली। ओवैसी को मालूम है कि उनको रैली में क्या कहना है, किसका मजाक बनाना है, ऐसा वो हर जगह करते हैं और यही उन्होंने सुल्तानपुर की रैली में भी किया। आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा क्या कहा कि इस्लाम भारत में इन्वेडर से आया। हमको कल मीडिया वाले लखनऊ में पूछे, हमने यही कहा कि मोहन भागवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते, मोहन भागवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते। हमने उनसे कहा कि इस्लाम इस मुल्क में बादशाहों के वजह से नहीं आया, इस्लाम इस मुल्क में आया तो सूफियों की और तिजारत करने वालों की वजह से आया। और हमने उनको फोन भगवत से हमने पूछा कि इस्लाम अगर आया तो वेस्ट कोर्स में आया, और किसने कहा मालूम आपको इस्लाम बादशाहों से इस्लाम भारत में आया, किसने कहा मालूम आपको? मालूम मोदी जी ने कहा। हाँ अब आप जाकर देखिए मोदी जी ने 3 अप्रैल 2016 को 7:13 को ट्वीट किया और कहा कि केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में चेरामन जुम्मा मस्जिद को अरब के तिजारत करने वालों ने, बादशाहों ने नहीं तिजारत करने वालों ने 629 ईस्वी मस्जिद को बनाया और कहा कि भारत की पहली मस्जिद। मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं या मोहन भगवत झूठ बोल रहे हैं? छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकने, आगे नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हाय आई एम सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।